नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनके कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ई पेपर डाउनलोड करें। आपने ई पेपर पढ़ा तो बहुत होगा ऑनलाइन, मगर उसे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कैसे करें ताकि आप किसी और पर्सन के साथ भी उसको शेयर कर सकें। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए, अगर इन्फॉर्मेटिव लगे आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ई पेपर डाउनलोड करने के लिए आप एक काम कीजिए, प्ले स्टोर में चले जाइए और वहाँ से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए। ऑल न्यूज़पेपर लिख के सर्च कर दीजिए और थर्ड नंबर आप देख रहे होंगे कि ऑल न्यूज़पेपर ई पेपर डाउनलोडर नाम से एक ऐप है। इसे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है और आप भी इसे इंस्टॉल कर लें। और जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम इसे डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन कुछ ऐसी नहीं होगी। आपको इसमें साइनअप करना होगा, अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड सेट करना होगा और लैंग्वेज सेट करनी होगी कि कौन सी लैंग्वेज का पेपर आपको चाहिए। तो मैंने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है, तो हिंदी के जो भी पेपर अवेलेबल हैं इसके ऊपर आप देख सकते हैं। मान लीजिए मुझे दैनिक भास्कर मुझे डाउनलोड करना है आज का पेपर, तो मैं सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊपर डेट है, तो इस पर डेट आज की जो करंट डेट है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। उसके बाद इसमें लोकेशन का ऑप्शन आएगा कि कौन से सिटी से पब्लिश आपको न्यूज़पेपर चाहिए। मान लीजिए जयपुर आपके नियरेस्ट पड़ता है तो जयपुर आप लिख दीजिए और डाउनलोड का बटन आप देख ही रहे होंगे, डाउनलोड पर के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद क्या होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। कुछ एमबी का ये पेपर होता है, 5 से 10 MB के बीच में करीब ये पेपर होता है। तो डाउनलोडिंग होने के बाद इसको आप ओपन करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है। मैं इस पर टैप करके इसे ओपन कर लेता हूं और ओपन करने के बाद इस तरीके से पेपर मेरे सामने ओपन हो गया है। तो दोस्तों, पूरा पेपर मेरे सामने इस तरीके से ओपन हो गया है। इसे आप जूम करके इजीली पढ़ सकते हैं और इसमें बहुत सारे पेजेज होंगे। जितने भी नंबर का पेज आपका जो एरिया में पब्लिश होता है, पूरे पेजेज आपको इसके अंदर मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आप देख सकते हैं। टेक्स्ट आपका बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरीके से पीडीएफ फॉर्मेट में आप इसको बड़े आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आती है शेयर करने की। मान लीजिए इस पेपर को आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिए दोस्तों, उसके लिए आप एक फाइल मैनेजर की जो एप्लीकेशन है उसमें चले जाइए और इसमें आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स नाम से एक ऑप्शन है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं पीडीएफ है। मैं पीडीएफ में चला जाता हूँ तो ये सारे जो पेपर्स वगैरह मैंने डाउनलोड किए हुए, मान लीजिए मैं पहला ही ऑप्शन में ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद ये पेपर मेरे सामने कुछ इस तरीके से खुल जाता है। तो इस तरीके से आप शेयर कर सकते हैं। मगर दोस्तों, इसमें जो है पर पेज वाइज ये पीडीएफ डाउनलोड होती है। मान लीजिए कोई स्पेसिफिक न्यूज़ है आप अपने दोस्तों से शेयर करना चाहते हैं, तो वो पर्टिकुलर पेज आप उसको आराम से सेंड कर सकते हैं। तो जितने भी पेज होंगे आज उस दिन के, आप पूरे के पूरे इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको शेयर करना हो तो आप बड़े आसानी से इसको शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, अगर चाहें तो किसी और मीडिया से ईमेल करके इसको शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।